ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर है। बता दें कि रीवा में एक बार फिर से सड़क दुर्घटना में दो लोगों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल और बुलेरो वाहन के टक्कर में जीजा और साला के जहां मौके पर मौत हुई है वहां एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बतावा जाते हैं, जिनका संजय गांधी अस्पताल में उपचार जारी है। वंदे क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सबजरन का प्रणाम कही थी शुरू कही थी बड़ी खबर से। बता दें कि रीवा जिला के लौर थाना के अंतर्गत शादी विवाह समारोह की खुशी उस समय मातम में बदल गई जब तमरी मोड़ झलवार के बीच शुक्रवार की रात भीषण सड़क हादसा सामने आया। हादसा में परिवार के दो लोगों के जान चली गई। जानकारी के मुताबिक जीजा और साला के मौके में मौत हुई है जबकि एक साथी गंभीर रूप से घायल बताया जाता। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों के द्वारा पुलिस का जानकारी दी गई जिसके बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से संजय गांधी अस्पताल में उपचार खातिर भिजवावा गया जहाँ दोनों युवकन का बता दें कि चिकित्सकन के द्वारा मृतक घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनन का सौंप दून गए हैं जबकि घायल साथी का भर्ती करके संजय गांधी अस्पताल में उपचार दिन जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक भर्ती युवक की हालत में सुधार बतावा जा रहा है। चौकी पुलिस के द्वारा पूरे मामले को लेकर मर्ग कायम किया गया है और दूसर कई पुलिस के द्वारा हादसा की जाँच शुरू कर दी गई है। लौर थाना प्रभारी निरीक्षक के पी त्रिपाठी के द्वारा जानकारी दी गई कि उचेहरा गांव के साहू परिवार के गोविंदगढ़ क्षेत्र के टीकर गांव में 26 मई की रात तिलक जात रहा। इसने में एक मोटरसाइकिल में सवार हुए के तीन लोग जात रहे जहां लड़की के भाई अरुण साहू पुत्र सुरेंद्र उम्र 32 साल निवासी उचेहरा, जीजा रामचंद साहू पुत्र रामनंदन उम्र 28 साल निवासी बेही गोविंदगढ़ और दोस्त अमित गुप्ता निवासी खैरा सवार रहे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बीती शाम आंधी और तूफान आवा इसने में तमरी मूड़ झलवार के रास्ता में एक पेड़ गिरा रहा। दोनों तरफ से वाहन आए। दवाई खींच जाला है कि स्कॉर्पियो क्रमांक MP17CA3999 के द्वारा मोटरसाइकिल सवार का ठोकर मार देंगे जिससे तीनों युवक मौके पर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलन का आनंद फानन में अस्पताल पहुंचावा गया पर डॉक्टरों के द्वारा जीजा और साला का मृत घोषित कर देंगे जबकि गंभीर हालत में एक युवक के उपचार जारी है। सजग रही और सतर्क रही रखी आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। इजाजत प्रणाम। एनिमेशन विजुअल इफेक्ट इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश एरिना एनिमेशन। एरिना है तो जॉब है।